शुरू हो रहा है एनवी न्यूज पर इंटरव्यू स्पेशल श्रवण शर्मा के साथ। और आज बातचीत होगी उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित से। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं एक बेहद ही खास मेहमान जो कि जाने माने साहित्यकार हैं, लेखक हैं, पूर्व पत्रकार हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। बहुत धन्यवाद आपको जाने का। और सर, सबसे पहली चीज तो आपका स्वास्थ्य कैसा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपका स्वास्थ्य पिछले महीने जो है थोड़ा गड़बड़ चल रहा था, अभी आप कैसे? जरा सी तबीयत क्या नासाद हुई, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। अब सर आते हैं, क्योंकि आप भी पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए थे, आपने भी पत्रकारिता की, आपके लेख आज के युवा पढ़ते हैं, अखबारों में लगातार छपते आए हैं, आपने बहुत सारी किताबें लिखी। और पहला सवाल हमारा ये है सर कि 150वीं गांधी जी की 150वीं जयंती पर 36 घंटे का जो विशेष सत्र विधानसभा में चला, इसमें विपक्ष नदारद रहे, और तो इससे क्या मैसेज आता है, क्योंकि बहुत दुनिया की नजर होती है, पूरे प्रदेश की नजर होती है इस सभा पर। जब इस तरह के सत्र का विचार आया था, मैंने सभी दलीय नेताओं की बैठक बुलाई थी, सत्ता पक्ष के दलीय नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, समाजवादी पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता श्री रामभूपेन चौधरी जी, बहुजन समाज पार्टी के नेता श्री वर्मा जी, और उस समय कांग्रेस के नेता श्री गांधी जी, ऐसे सभी दलीय नेता उपस्थित हुए थे। सबने स्वीकृति दी थी, सबने आने का आश्वासन दिया। बाद में कोई परिस्थिति बनी, वह लोग नहीं आए, आते तो अच्छा होता, लेकिन कार्यक्रम 36 घंटे का यह बहुत महत्वपूर्ण रहा। और गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी को याद करने, इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित टिकाऊ विकास के 17 लक्ष्यों पर चर्चा करने की दृष्टि से यह सब बहुत महत्वपूर्ण रहा। और बहुत सारे विधायकों ने इस अवसर पर अपने विचार रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सतत विकास के लक्ष्यों पर तमाम घोषणाएं की, तमाम समितियां बनाने की घोषणाएं की, देने की घोषणाएं की, कुल मिलाकर यह सब बड़ा उपयोगी रहा और यह विशेष सत्र था, अपने आप में अनूठा और अद्वितीय रहा। इसी तरह 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान पारित हुआ था, और यह एक ऐतिहासिक तिथि है जब इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान पारित किया गया। इस तिथि की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तरफ देश का ध्यान आकर्षित किया और इसे संविधान दिवस उन्होंने घोषित किया। संविधान दिवस के अवसर पर जहां दिल्ली में संसद के समवेत अधिवेशन में 26 नवंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन होगा, वहीं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद पहले समवेत होंगे, श्री राज्यपाल जी का मार्गदर्शन भाषण होगा, उसके बाद दोनों सदन अलग अलग इस विषय पर गंभीर चर्चा करेंगे, भारत के संविधान पर। और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है, दुनिया के किसी भी देश का ऐसा विस्तृत विवरण वाला संविधान नहीं है। हमारे संविधान की उद्देशिका बड़ी पवित्र है, महान भारत के स्वप्न है उसमें। हमारे संविधान में नीति निदेशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट, वह माननीय हैं और बहुत सुंदर स्वप्न उसमें व्यक्त किए गए। हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में विश्व शांति के लिए भारत की प्रतिबद्धता का उल्लेख है। 51A में 10 मूल कर्तव्यों की सूची है। इसी प्रकार हमारे संविधान में तमाम तरह के प्रावधान हैं
प्रधानमंत्री का पद, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, संसद, विधानमंडल, निर्वाचन आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, कैग, ऐसे तमाम आयोग भी हमारे संविधान की रचना में हैं। और तो सर ये बताइए, वो जो सत्र चला 36 घंटे का लगातार, कितना सफल हुआ, उसका उद्देश्य क्या था? वो सफल हुआ और ये जो परसों सत्र होने जा रहा है विधानसभा का, ये भी सफल होगा। जैसे उस सत्र में हमने अन्य स्थानीय विषयों की चर्चा नहीं की, केवल गांधी जी को याद करना और संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास के लक्ष्यों पर चर्चा करना उस सत्र में संपन्न हुआ। इस सत्र में हम केवल संविधान पर चर्चा करेंगे, इसलिए संविधान के कुछ बिंदुओं को मैंने आपका आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। आप सर समय के बहुत पाबंद हैं, अभी तक आप अपने कार्यकाल में कभी एक मिनट की देरी से भी विधानसभा नहीं पहुंचे और ना तो कभी आपने अवकाश लिया, लेकिन इस सत्र में कई विधायक सोते हुए नजर आए, इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे उस 36 घंटे के सत्र में कोई भी विधायक सो नहीं रहा था, और किसी को लगा होगा कि वो सो रहा है, तो चूंकि पूरी रात सत्र चला तो हो सकता है कि देखने वाले को खुद ही नींद आ गई हो, उसे लगा हो कि सामने वाला भी सो रहा है, लेकिन सब जाग रहे थे और सभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चल रही थी। पहले ये चिंता व्यक्त की जा रही थी कि सदन का कोरम 40 विधायकों से 41 विधायक चाहिए हमको तो सदन चलता है, नहीं तो अगर एक भी घट गया तो नहीं चलता। तो लेकिन सदन में ऐसा कोई समय नहीं आया जब विधायकों की संख्या 100 या 100 से ऊपर न रहे, इस तरह बड़ा सफल हुआ। महाराष्ट्र में सर भाजपा जो है जिस तरह बहुमत साबित करने की बात कह रही, वो तो कितना उचित है, कितना सार्थक है, संवैधानिक कितना है? बहुमत सिद्ध करना हमेशा संवैधानिक होता है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही कह दिया कि शिवसेना हमारे साथ चूंकि नहीं है, इसलिए हम सरकार बनाने की स्थिति में नहीं। शिवसेना और कांग्रेस और अन्य दलों को गुटों को मिलाकर एक प्रयास उधर चल रहा था कि सरकार दी जाए, एक प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी के साथ अजीत पवार अपने विधायक दल के नेता वो सम्मिलित हो गए, तो संख्या बन गई। श्री राज्यपाल जी ने उनको शपथ दिलाई है और समय दिया है कि अतिशीघ्र वह बहुमत साबित करें, विश्वास है कि वह बहुमत साबित करने में सफल होंगे। जी वापस उत्तर प्रदेश पर आते हैं तो विधानसभा की अगर बात करें तो अब जो सांसदों की जो वार्ता होती है सभा में, जो चीज़ें होती हैं पहले तार्किक हुआ करती थी, युवा देखते थे, लोग टीवी चैनलों पर बैठ करके पूरी सभा को संबोधित होते हुए देखते थे, लेकिन आज उन तार्किक भाषणों की जगह पर, बयानों की जगह पर अब बहस हो शुरू हो गई, बहस ने जगह ले ली है। तो इस ये जो बदलाव राजनीतिक जो ये बदलाव हो रहा है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बदलाव किसी एक संस्था या एक कोने नहीं आता, बदलाव हमेशा पूरे देश में आता है, पूरे भारतीय समाज में आता है। पहले हम लोग बाहर जाते थे, 4 दिन रुकते थे, एक गाड़ी होती थी मुश्किल से, और दूल्हे को घोड़ी पर या लकड़ी की एक चौखट पर बैठा कर ले जाते थे। अब तमाम गाड़ियां होती हैं, 3-4 घंटे में ही सब आनंद हो जाता है, नाच हो जाता है, भोजन हो जाता है। तो बदलाव राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में आ रहा है, और राजनीति राष्ट्र जीवन का ही एक क्षेत्र है, समाज के बदलाव की छाया राजनीति पर भी पड़ती है, राजनीति में बदलाव की छाया समाज पर पड़ती है, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सदन में बहस की गुणवत्ता पहले से कम नहीं, पहले भी तार्किक बातें होती थी, अब भी तार्किक बातें होती हैं। अब की पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी में जितना फर्क है, वही उस समय की विधानसभा और आधुनिक विधानसभा में फर्क है। संविधान के विधि निर्देशों के आधार पर पहले भी सदन चलता था, विधि निर्देशों के आधार पर अभी भी चलता है। लोकतंत्र का प्राण है वाद विवाद संवाद, वाद एक पक्ष होता है, दूसरा पक्ष प्रतिवाद होता है, दोनों मिलते हैं तो संवाद बनता है। तो वाद प्रतिवाद संवाद यह प्राचीन परिपाटी है आम जनता से संपर्क बनाने की। जर्मनी का दार्शनिक था हीगल, हीगल ने थेसिस, एंटीथेसिस, सिंथेसिस, 3 तत्व बताए थे वार्ता के। थेसिस माने जो हम कह रहे हैं,
एंटीथेसिस माने जो उधर से कहा जा रहा है और दोनों तर्क के बाद संवाद करते हुए मिल जाए तो उसे हीगल ने सिंथेसिस कहा था कि ये एक मिलावट बनती है। तो उसी आधार पर विधानसभा, उसी आधार पर संसद चलती है। नई पीढ़ी के लोग विधायक होकर सांसद होकर आ रहे हैं, उनमें शैक्षिक चेतना है, वे जागरूक हैं और मुझे तो हमारी विधानसभा में लगता है बहुत पढ़े लिखे शिक्षित लोग आए हैं, अनुभवी लोग आए हैं और उनके अनुभव का फायदा सरकार को मिलता है, प्रतिपक्ष को मिलता है। आप सर आपातकाल के दौरान करीब 18 महीने जेल में रहे और वर्तमान में जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है, जैसे कि उन्नाव में किसानों को ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जेल में छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, बहुत त्याग मॉबलिंग, ये जो माहौल बन रहा है कुल मिला के, राष्ट्रवाद के नाम पर कोई बोल नहीं पा रहा है, इस तरीके का जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है किसी भी पक्ष के द्वारा, तो इस पर आपकी क्या राय है? क्या अभिव्यक्ति का एक्चुअल अर्थ क्या है जिसको जो है भाजपा समझाना चाह रही है? अभिव्यक्ति का अर्थ भारतीय जनता पार्टी नहीं समझाना चाह रही, वो एक राजनीतिक दल है। विचार अभिव्यक्ति की आज़ादी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है और वहाँ पर कहा गया है कि आप अपनी बात कहते समय लोक व्यवस्था भंग करने की बात न करें। विचार अभिव्यक्ति का की स्वतंत्रता पूरी है लेकिन अनुच्छेद में ही प्राविजो माने परंतु, लेकिन परंतु लगा हुआ कि परंतु लोक व्यवस्था को विक्षिण करने वाले किसी व्यक्ति अथवा भाषणकर्ता के विरुद्ध सरकार कार्यवाही कर सकती है। एक बात उन्नाव के बारे में जवाब में बात कही है, उन्नाव में कुछ किसानों की जमीन श्री अखिलेश यादव की सरकार के समय अधिग्रहित की गई थी। उनके समय उन किसानों को प्रति किसान प्रति बीघा 5,51,000 रुपया भुगतान तय हुआ था और उस समय की सरकार ने 5,51,000 दे दिए थे, जमीन पर कब्जा ले लिया था। उसके बाद किसानों की मांग हुई तो उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने उन 5,51,000 प्रति बीघा के अलावा 7,00,000 प्रति बीघा और भी भुगतान किया और प्रत्येक किसान जिसकी जमीन ली गई है उस जमीन का 6% डेवलप्ड प्लाट देने का भी प्रावधान हुआ। तो इस तरह किसानों को पर्याप्त मात्रा में भुगतान हो चुका था। इसके बाद भी आंदोलन हुए, आंदोलन लोकतंत्रीय अधिकार है। इसके बाद भी प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन भी किसानों का सबका लोकतंत्रीय अधिकार है। लेकिन जिस तरह विपक्ष ने मामले को हास्यास्पद बनाने का प्रयास किया उससे उसकी जगहसाई हुई है। कांग्रेस पार्टी की एक राष्ट्रीय पदाधिकारी ने एक फोटो जारी किया, उस फोटो में किसान को दिखाया गया कि किसान मारा गया इतना भी पड़ा है और जब उसको पुलिस ने डंडे से पहुंचा तो उठ के खड़ा हो गया, बहुत तेज भाग गया, तो उन्होंने आधा हिस्सा दिखाया पहले। ये वीडियो काफी वायरल हुई थी और उन्होंने उस वीडियो को बाद में वापस किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ। तो इस तरह के तमाम वीडियो दिखाए गए। भारत का वातावरण विचार अभिव्यक्ति की आजादी की दृष्टि से बहुत सुंदर है और यह विचार अभिव्यक्ति की आजादी का ही कमाल है कि कांग्रेस पार्टी के उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री को चोर कह रहे थे और उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि भारत में विचार अभिव्यक्ति की आजादी है और मोदी जी से बढ़ाना चाहिए। हालांकि कोर्ट में राहुल गांधी को उसके लिए जो है उन्होंने अपील दायर की थी, माफ भी किया, उस पर बात भी हुई। और सर एक सवाल है कि जैसे कोर्ट में उत्तर प्रदेश के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको जो है जंगल राज कहा, तो आपको क्या लगता है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे गुजर रही है? कोर्ट का हस्तक्षेप लगातार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं कोर्ट राज लगातार जो है महाराष्ट्र की बात हो, यूपी की बात हो, हर मामले में कोर्ट आप बीच में आ जा रही है, तो कोर्ट का बार बार आना क्या कोर्ट को सरकार मजबूर कर रही है कि कोर्ट को आना पड़ रहा है, बयान देने पड़ रहे हैं? कहीं कोर्ट का अधिकार है, पीड़ित व्यथित लोग कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट उन्हें सम्यक सुनने के बाद अपने आदेश देता है। कोर्ट के इस काम से इस काम को गलत नहीं कहा जा सकता और
सरकार अपना काम करती है, कार्यपालिका है, कार्यपालिका के अपने अधिकार हैं, अपनी सीमाएं हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका के बीच एक सुंदर संतुलन बनाया है और तीनों संस्थाएं अपने ढंग से अलग अलग काम कर रहे हैं, यहाँ कोई कठिनाई नहीं। आपने सर बहुत कई किताबें लिखी, उनमें से आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है और इस दौरान आप क्या कोई किताब लिख रहे हैं, अगर लिख रहे हैं तो उसका विषय क्या है और कब तक संभावना है कि वो पूरी हो जाए? दुनिया का सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 10,500 लगभग मंत्र हैं। ऋग्वेद में इतिहास है, ऋग्वेद में तत्कालीन समाज की झांकी है, तत्कालीन समाज व्यवस्था का चित्रण है, ऋग्वेद में दर्शन है, ऋग्वेद में समाज व्यवस्था है, ऋग्वेद में संस्कृति है। ऐसे बृहद आकार 10,500 मंत्रों वाले ग्रंथ के बारे में भारत के नई पीढ़ी की जिज्ञासा रहती है कि आखिर ऋग्वेद है क्या। तो ये समझाने के लिए साधारण परिचय ऋग्वेद का इस नाम से हम एक किताब लिख रहे हैं, वो 2-4 दिन में पूरी हो जाएगी। अभी भारतीय दर्शन, विशेषकर उपनिषद दर्शन पर, वेदांत पर हमारी ये किताब ज्ञान का ज्ञान आई है। उसके पहले जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष अधिवेशन 36 घंटे का चल रहा था, उस समय महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज पर हमारी एक किताब हिंद स्वराज का पुनर्पाठ, बड़ी मोटी किताब है, वो भी प्रकाशित हुई थी। अभी थोड़े दिन पहले नीदरलैंड में दिवे इंडिया थिंक्स नाम की हमारी दार्शनिक किताब प्रकाशित हुई है। हमारी कौन सी किताब अच्छी, कौन सी नहीं ठीक, आपकी सबसे प्रिय किताब कौन सी है जिसको आप बार बार पढ़ना चाहते हैं? हम अपनी किताब तो हम खुद लिखे हैं, तो अपनी किताब को बार बार पढ़ने की कोई जरूरत तो नहीं पड़ेगी। बाहर की किताबों के बारे में अगर कहें तो कोई एक पुस्तक ऐसी नहीं है जिसका मैं नाम ले सकूं। मुझे ऋग्वेद प्रिय है, पुस्तक कही है, ग्रंथ कही है, मुझे गीता प्रिय है। आपकी लिखी हुई, हमारी लिखी हुई तो सारी किताबें प्रिय हैं। किसी माँ से पूछे कि आपका बच्चा कौन ठीक, तो उसको सारे बच्चे प्यारे लगेंगे, ठीक लगेंगे। तो और लेखक के तौर पर एक तरह से विचार उसके गर्भ में पलता है तो बाहर प्रकट होता है। तो हमको अपनी सारी किताबों के बारे में यही कहेंगे कि सब अच्छी हैं और लोग पढ़ें उन्हें। हाँ, जैसे गीता का हमने भाष्य किया है तो उसमें वैदिक काल का संदर्भ भी दिया है जो अनेत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही भारतीय संस्कृति की भूमिका सिविल परीक्षा में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए अच्छी किताब बताई जाती है। बिहार में उस किताब की बिक्री काफ़ी हुई है, ऐसा मुझे बताया गया। और तमाम पुस्तकें हैं, 20-32 किताबें उस पर सब अच्छी। आप सर पूर्व पत्रकार भी रह चुके हैं? पूर्व नहीं, अभी भी। अच्छा, अभी भी आप पत्रकार हैं। तो पत्रकार होने के नज़रिए से पत्रकारों का, पत्रकारों की सुरक्षा की जब बात आती है, मजीठिया आयोग की जब बात आती है, तो इस पर आप अपनी राय, एक व्यक्तिगत पत्रकार के नज़रिए से क्या देखते हैं आप? नई पीढ़ी के पत्रकार, युवा पत्रकार, उनसे बड़ी अपेक्षाएं हैं। राजनीतिक दलतंत्र भी उनसे अपेक्षाएं करता है, भारतीय समाज भी उनसे तमाम अपेक्षाएं करता है। हम लोग चाहते हैं कि उनकी प्रकृति, उनके काम करने का ढंग ये सारी दुनिया में आदर नहीं बनाए। स्वाधीनता संग्राम के समय पत्रकारों ने काफी दुख झेले थे, संघर्ष किया था और अग्रिम मोर्चे पर थे। आज भी ऐसी आवश्यकता है कि पत्रकार आम जनता का दुख दर्द, आम जनता की कठिनाइयाँ अध्ययन करें, परिश्रम करें, थोड़ा कठिनाई आएगी और उसके बाद अपनी बात कहें तो बड़ा आनंददायी होगा। सनसनी अथवा कोई चीज नई क्रिएट करना, भले ही टेलीविजन चैनल की TRP बढ़ाता हो, लेकिन उससे अंधत्वगत्वा चैनल का और समाज का सबका नुकसान होता है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि नई पीढ़ी के पत्रकार यशस्वी हों, दीर्घजीवी हों और वे भी, उनके नाम भी उसी प्रकार चर्चा में लिए जाए जैसे पुराने लोगों के नाम लिए जाते हैं। कुलदीप नैयर हमारी विचारधारा के विरोध हैं, लेकिन हम लोगों का नाम लेते हैं। भानु प्रताप शुक्ला जी राष्ट्रवादी विचारधारा के, इसके मुकाबले हम लोगों का नाम लेते हैं। तमाम पत्रकार अंग्रेजी के, हिंदी के वरिष्ठ, उनसे प्रेरित। मजीठिया के बारे में आपने नहीं बताया कुछ,
कितना जरूरी है एक छोटे पत्रकार जब गांव से आता है पत्रकार बनने, क्योंकि इंजीनियर बनना बाकी चीजें बनना एक अलग चीज है, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते आप मजिठिया आयोग को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आज के दौर में एक युवा जो गांव से आता है शहर में पत्रकारिता करना चाहता है उसके? पत्रकारिता जो गांव से आकर शहर में करता है, क्योंकि पत्रकारिता में ही कठिनाई नहीं, गांव से आकर जो लेबर क्लास बनता है मजदूरी करता है तो किसी किसी दिन वो बैठा रहता है सड़क पर, उसको ढूंढने वाला तक वो मालिक वहाँ तक पहुँचता ही नहीं, तब तक मनुष्यों का बाजार उठ जाता है। ऐसे ही लोग अन्य नौकरियों में आते हैं, परिश्रम करते हैं, उनको कठिनाइयाँ होती हैं, कठिनाइयाँ प्रत्येक क्षेत्र में। और जो पत्रकारिता का क्षेत्र है वो थोड़ा भिन्न प्रकृति का है, उसमें सूचनाओं का इकट्ठा किया जाना, सूचना इकट्ठा करने की प्रतिस्पर्धा, सूचना पहले देने की प्रतिस्पर्धा, प्रत्येक क्षेत्र में कंपटीशन है। मजिठिया आयोग के बारे में हमारी वही राय है जो पत्रकार संगठनों की राय है, हमारी अलग से कोई भिन्न राय नहीं। पत्रकार होने के नाते कितना जरूरी है वो लागू हो और सबको उसका फायदा मिले? मैं पत्रकार होने के नाते टिप्पणी नहीं कर सकता, विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते मैं जो भी पत्रकार संगठनों ने इसको अब तक कहा है उस पर मैं विचार की आवश्यकता समझता हूँ। एक चीज और सर, कि छात्र संघ चुनाव जो होते थे यूनिवर्सिटी में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो जगह जगह लगभग रोक दिए गए हैं या रोक दिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं राजनीति की शुरुआत जब कोई नए स्तर से शुरू करना चाहता है तो यूनिवर्सिटी से ही होती है, छात्र संघ से बहुत बड़े बड़े चेहरे निकल कर आए, कितना जरूरी है युवाओं के लिए छात्र संघ? यूनिवर्सिटी से भी निकल कर आए हैं जी बड़े चेहरे, और बिना यूनिवर्सिटी गए भी बहुत बड़े चेहरे निकल कर आए हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। मैंने सीधे 18-20 साल की उम्र से ही किसानों गरीबों के बीच सामाजिक संगठन राजनीतिक संगठन का काम किया। यूनिवर्सिटी में कभी मुझे मौका नहीं मिला वहाँ आंदोलन करने का, जिंदाबाद करने का, मुर्दाबाद करने का। बहुत लोग आए वहाँ से, हमारे मित्र हैं, हमारी पार्टी में भी हैं, अन्य पार्टियों में भी हैं, यूनिवर्सिटी से भी आए, गांवों से भी आए, और अभावग्रस्त क्षेत्रों से आए, ऐसे क्षेत्रों से आए जिस मैं जिस गांव से आता हूँ वहाँ बिजली नहीं थी, वहाँ सड़क नहीं थी, वहाँ प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, मैं जिस गांव से आता हूँ। तो ये प्रतिभा तो कहीं से भी आ सकती है, पता नहीं कहाँ से खिले। तो छात्र संघों के चुनाव का जहाँ तक प्रश्न है, उस पर बहुत पहले एक आयोग बना था और उस आयोग ने कुछ नियम निर्धारित किए थे। उत्तर प्रदेश की सरकार और मेरा ख्याल और भी सरकार है, उसी आयोग द्वारा निर्धारित सिद्धांत छात्र और चुनाव लड़ने वाले छात्र की उम्र, उसकी परिधि में चुनाव कराए जाने में किसी को कोई आपत्ति नहीं। हमारा आखिरी सवाल सर, कि जो भी युवा राजनीति के क्षेत्र में आना चाहता है, राजनीति करना चाहता है, तो आपको एक जो मार्गदर्शन के तौर पे, क्योंकि आपके पास गहरा अनुभव है, 1985 से लगातार आप आज इस प्रतिष्ठित पद पर हैं, तो उन्हें क्या संदेश देंगे, क्या तौर तरीका, मार्गदर्शन क्या करेंगे? आपने पूछा है कि युवा राजनीति में जो आना चाहते हैं उनके लिए क्या मार्गदर्शन है? राजनीति कोई व्यवसाय फर्म कंपनी तो है कि उसको ज्वाइन करेगा वो व्यक्ति तो उसको मुनाफा मिलेगा। हम लोग सामाजिक परिवर्तन का सपना लेकर आए थे, धीरे धीरे राजनीतिक होते चले गए। सीधे राजनीतिक रूप में काम करना तो आपको ध्येय तय करके आना होता है। कोई भी युवा तो राजनीति में आएगा, तो अगर राजनीति में आया क्यों, तो वो उससे आउटपुट चाहेगा, उसका नतीजा चाहेगा कि हम विधायक बने। और उत्तर प्रदेश की प्रत्येक विश्वविद्यालय से अगर 50-50 लड़के निकले तो सारी सीटें तो 403 हैं यहाँ विधानसभा। तो कोई राजनीति के लिए निकल रहा है तो उसे बहुत सोच विचार कर निकलना चाहिए। मुझे कई लड़कों ने, नौजवानों ने, पढ़े लिखे लड़कों ने पूछा मैं भी राजनीति में आना चाहता हूँ, तो हमने कहा राजनीति में आने की मतलब हम नहीं जानते, सोशल चेंज, समाज के लिए कुछ करना, पानी के लिए ही आंदोलन करना कि लोग पानी बचाएं, वृक्षारोपण के लिए अभियान चलाया कि लोग वृक्षारोपण के लिए प्रेरित हैं। इस तरह के काम अगर लेकर आप आते हैं और फिर राजनीति भी करते हैं
तब तो ठीक है, और ऐसे राजनीति में आने का मतलब ये हुआ कि हम आए हैं और हमको पद चाहिए, तो पद तो यहाँ पर बड़ा बड़ी गला काट होता है। फिर भी मैं स्वागत करूँगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें समाज सेवा करते हुए राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतना समय हमें दिया। देश विदेश से लेकर आसपास की सभी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए न्यूज़ एंड व्यूज़ को।